हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बंद मुट्ठी लाख की। एक राज्य के राजा ने घोषणा की कि आने वाली पूर्णिमा पे वह नगर के सत्यनारायण मंदिर में पूजा करने जाएगा। जब मंदिर के पुजारी को यह पता चला तो वह बहुत खुश हुआ। आखिर राज्य का राजा आने वाला था, उसने सोचा मंदिर की साफ सफाई, रंग रोगन, सजावट आदि आदि करवा देनी चाहिए। इन सब में 20,000 का खर्च आने वाला था। इतने पैसे उसके पास नहीं थे, पर उसने सोचा इतना बड़ा और महान राजा आने वाला है, मुझे मंदिर की साफ सफाई, रंग रोगन, सजावट भी करानी चाहिए, पर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, साहूकार से उधार ले लेता हूँ। आखिर राजा दक्षिणा भी तो बहुत अच्छी देगा, राजा के जाने के बाद उधार चुका दूंगा। पुजारी ने साहूकार से 20,000 रुपए उधार लिए और मंदिर की साफ सजावट, रंग रोगन इत्यादि इत्यादि का काम चालू कर दिया। मंदिर जगमगा रहा था। पूर्णिमा के दिन राजा पूजा करने आया। पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न हुई। राजा ने पूजा की थाली में एक बंद लिफाफे में दक्षिणा चढ़ा दी। राजा के जाने के बाद पुजारी ने जब वो लिफाफा खोला तो यह क्या, राजा ने दक्षिणा में 100 रुपए चढ़ाए। 100 रुपए देखकर पुजारी नाराज भी हुआ। इतना बड़ा राजा और इतना छोटा दिल। उसे लगा था कि जब राजा मंदिर में आएंगे तो काफी अच्छी दक्षिणा मिलेगी, पर यह क्या, सिर्फ 100 रुपए। वह बहुत दुखी हुआ कि बाकी सब तो ठीक है, पर जो साहूकार से उसने कर्ज लिया है वह कैसे चुका पाएगा। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझा। दूसरे दिन उसने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि राजा ने जो कुछ भी पूजा के बाद दक्षिणा में चढ़ाया है वह मैं नीलाम करूंगा। नीलामी का समय उसने सुबह 9 से 10 बजे तक का रखा और यह नीलामी 1 हफ्ते तक चलने वाली थी। राजा का दिया लिफाफा उसने एक सुंदर सी थाली में सजा कर मंदिर में ही रख दिया। जो भी दर्शन करने आता वह बड़ी ही उत्सुकता से उस लिफाफे को देखता, लेकिन पुजारी उसे हाथ नहीं लगाने देता था। लोगों ने सोचा कि राजा ने चढ़ाया है तो जरूर कुछ अमूल्य वस्तु होगी। लोग बाग बढ़ चढ़ कर नीलामी की बोली लगाने लगे। 5,000, 10,000, 20,000 करते करते 50,000 रुपए तक बोली पहुंच गई। नीलामी की यह बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने सोचा कि यह क्या, पुजारी मेरे दिए हुए दक्षिणा को नीलाम कर रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसे लगा कि अगर नीलामी में कोई वह लिफाफा खरीद लेता है और उसे खुलकर देखता है तो राजा का क्या सम्मान रह जाएगा कि राजा ने 100 रुपए दक्षिणा में चढ़ाए। उसने तुरंत सिपाहियों को भेजकर पुजारी को बुलवा भेजा। पुजारी आया तब राजा ने पूछा, पुजारी जी क्या आप जानते हो उस लिफाफे में मैंने क्या दक्षिणा चढ़ाई थी। पुजारी ने कहा, नहीं महाराज, मैंने उसे खुलकर नहीं देखा है। आपने अवश्य ही कोई कीमती वस्तु चढ़ाई होगी। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे खोल लूंगा तो मेरे मन में लालच आ जाएगा और मैं तो ठहरा पुजारी, कोई भी कीमती वस्तु मेरे किस काम की, कीमती वस्तु मेरे किसी उपयोग की भी नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसे नीलाम कर देता हूँ और नीलामी के जो भी पैसे आएंगे वो मंदिर में और सद्कार्य में लगा दूंगा। राजा ने पुजारी से कहा, ठीक है पुजारी जी, अब आपको नीलामी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उस लिफाफे की नीलामी के 125,000 रुपए दूंगा। आप वह लिफाफा मुझे लाकर दे दें। जैसे महाराज की आज्ञा, महाराज की जय हो। तो देखा दोस्तों आपने, पुजारी ने कितनी चतुराई से राजा से अपनी पूरी दक्षिणा भी ले ली, लेकिन साथ ही साथ उसने बड़ी ही जिम्मेदारी से राजा को यह कहकर कि उसने लिफाफा नहीं खोला है राजा को शर्मिंदा होने से भी बचा लिया। साथ ही उसने लिफाफा जब बंद रखा तो लोगों ने भी सोचा कि राजा ने कोई कीमती चीज ही चढ़ाई होगी, इसलिए वो लोग बढ़ चढ़कर नीलामी में हिस्सा ले रहे थे और इसीलिए कहा जाता है बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। धन्यवाद।